मात पिता को सुमिर के गुरु को शीश नवा बेवफा नार के प्यार को कैसे तुम्हें दर्शा। उपस्थित सभी श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, सदाब्रक सोरंगा की अपार सफलता के बाद में वो थी एक वफादार लड़की जिसने तुच्छ सी बात के पीछे अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, और ये थी एक बेवफा लड़की जिसने अपने चाहने वाले को अपने रूप के घमंड में आकर के कितने शहजादों का सर काट करके किला के ऊपर लटका दिया। तो आइए देखते हैं एक कातिल औरत बेवफा लड़की किस्सा गुल सनोवर के बारे में कि एक राजा के सात लड़का थे। सात लड़कों में से सबसे बड़ा लड़का एक दिन अपने पिता से दोनों हाथ जोड़ करके विनती करने लगा और कहने लगा, पिताजी अरे हाथ जोड़ी बेटा करे मेरे बाबूला मोई घर अंगना न सुहाई दी। पाऊं जो आप अरे मेरे बहुला हम घूमे देश भी देश जी सात लड़कों में से सबसे बड़ा लड़का कहने लगा, पिताजी हम बाहर घूमना चाहते हैं। पिता ने कहा अगर ऐसी बात है तो चले जाओ। सोई चढ़ी घोड़ा पे ता चलो अरे बरमा जी कोई ले साथ न को संग जी चढ़ी घोड़ा ला चलो अरे मेरे भैया कोई ले साथ न को संग जी जैसे ही वो लड़का घोड़ा पर सवार होकर के आगे के लिए चला है साथियों को साथ लेकर के और वन में घूमने के लिए जब आगे को बढ़ा है चलता चला गया और ऐसा ही नहीं अरे बेटा की चली सवारी और जाने देखो हिरन यगारी पलकी करी रे अबारी जैसे ही हिरन देखा उस शहजादे ने अपने घोड़ा को पीछे दौड़ाना शुरू कर दिया। संग के साथी भी भाग खड़े हुए लेकिन हिरन के पीछे दौड़ता हुआ वो राजकुमार बढ़ता चला गया। ऐसा ही नहीं एड़ लगाई सहजादे ने हिरना के पड़े पीछा अरे मित्र छूट गए यत फर में के पहुंचो तो विकट बनी में जाओ
नीचे बुलाई। अरे मारी प्यास से भोड़ा गिर गो कैसे जागो रहो तिलक लाई। दोस्तों संघ के साथी तो सब बिछड़ गए और वो राजकुमार आगे को बढ़ता चला गया। हिरन तो दिखाई नहीं पड़ा, घोड़ा जब पानी नहीं मिला बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तब वो लड़का पानी की तलाश करता हुआ आगे को बढ़ा तो वन में एक पागल दिखाई पड़ा। उस पागल को अपने पास बुला लिया और फिर पूछा उस वृद्ध से, कहिए क्या कारण है तुम बिना वस्त्र पहने हुए इधर उधर घूम रहे हो। पागल देख करके हंसने लगा, उसके बाद तुरंत रोने लगा और कहने लगा कि बेटा मैं अपने बच्चों के दुख में पागल हो गया। मेरे केवल दो लड़का थे और यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है मेहर अंगेज। वो इतनी सुंदर है देखने में, जो कोई उसे देखता है उसके रूप में फंस जाता है और वो शादी उसी के साथ करेगी जो उसके सवाल का जवाब दे देगा। उस पागल ने बताया, अरे एक लड़की जा सहरा में, अरे मेरे बेटा जो सुंदर सुगर सरूप जी, फसके बाके रूप में अरे मेरे लाला मेरे बेटा गए ना साई जी। बस के बाके रूप में अरे मेरे लाला मेरे बेटा गए ना साई जी। उस पागल ने सारी बात बताई और जवाब दिया कि वो लड़की इतनी सुंदर है लेकिन उसके विचार बहुत गंदे हैं। जो जाता है उससे कोई सवाल पूछती है, जवाब उसका नहीं दे पाता है तो तुरंत उसका सर काट करके अपने किला के ऊपर लटका देती है। इसलिए हमारे दोनों बालक उसी के चक्कर में मारे गए। और जब सुंदरता की बड़ाई उस लड़की की उनने सुनी तो चुपचाप लौट पड़े और बोले, शादी हम ही बात करें, अब चाहे कछु हो। जब चले ऐसा ही नहीं सुन के इतनी बात लौट घर में आओ। सुंदरता सुन के नार की, सुंदरता सुन के नार की है खाना तक न खाओ। वो पागल के जवान से लड़की की सुंदरता जब सुनी तो घर आकर के उन्होंने खाना तक नहीं खाया। माँ बाप पूछने लगे क्या हुआ, जवाब दिया पिताजी महाराज पिता से बोले वचन उचार और आज्ञा दीजिए जाए के देखे कैसी सुंदर नार। बने मारिक सहजादे के किला के ऊपर टांगी दे, बने मारिक सहजादे सब किला के ऊपर टांगी दे। अपने पिता से इशारा किया कि पिताजी तुम हमें आज्ञा दे दो, हम उस मेहर अंगेज नाम की लड़की को देखेंगे जरूर जो बहुत सुंदर है। माँ बाप ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने। और जब नहीं माने तो सात लड़कों में जो सबसे बड़ा लड़का था वो शादी की इच्छा लेकर के और उस लड़की के पास के लिए चला है। जब लड़की के पास के लिए चला है तब घोड़ा पे भाव सवार सुनो सरदार न देर लगाई और ठीक सामने भाई जो लाग लगाई। चलने के लिए तैयार हुआ, सामने से ठीक हो गई मुकेश ऐसा ही।
उसके बाद रुको नहीं बोला ले चलो तत्काल ध्यान दे भाई मेहर अंगेज के द्वारे पहुंचो जाई सामने छींक हो गई। माँ बाप रोकते रहे लेकिन वो नहीं माने और जब नहीं माने तो बढ़त चले गए। मेहर अंगेज जहां रहती थी वहां पहुंचे हैं। उसके द्वार पर एक ढोल रखा हुआ था और जो उस ढोल में जाके आवाज लगाता था चोब लगाता था बस वही उस लड़की से सवाल का जवाब देने के लिए जाया करता था। आज उसने देखा कि द्वार पर एक ढोल रखा हुआ है। अब उन्होंने देर नहीं की कि हम उस लड़की की सुंदरता सुन चुके हैं अब वो देखें कितनी सुंदर लड़की है। तुरंत ही उन्होंने अरे दीनी ढोला में चोबरेला गाई और गई गूंज गगन में छाई तो जैसे ही वो आवाज गूंजने लगी है लड़की सोचने लगी कि दूसरा कोई और आ गया जो मेरे सवाल का जवाब देने के बाद में मेरे साथ विवाह करने की इच्छा लेके आया है। तुरंत उस सहजादे को अपने पास बुलाया और जब सहजादे को अपने पास बुलाया उसके बाद लड़की ने सामने आसन डाल करके उसे बैठा लिया। लेकिन उस राजकुमार ने जब लड़की की ओर देखा तो देखी के सूरत नारे की अरे मेरे दादा सोई रह गए थे आंखें फारी दी अरे नैन रसीले हिरन से अरे मेरे भैया भैया गए हैं कले जो चीर जी और बेटी तब बूझ न लगी अरे परदेसी मेरा छोटो सोए कुसावाल जी दोस्तों उस लड़की की सुंदरता को निहार करके सब कुछ भूल गए। अब देखते रहे बहुत देर देखते रहे जो पागल ने बताया था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है लड़की की ओर निहार करके बहुत देर हो गई उसकी ओर टकटकी लगाए रहे सोचने लगे कौन सा वक्त होगा जिस दिन ये लड़की एक दुल्हन बन करके मेरे आंगन में जाएगी। लेकिन लड़की ने अकेले में बुला करके फिर एक सवाल किया कि हमारा एक सवाल है उसका जवाब दे दो और हम तुम्हारे साथ विवाह कर लेंगे। क्या सवाल है तुम्हारा? तो वो लड़की ने पूछा केवल एक बात बता दीजिए कि गुलन सनोबर के संगमी कहो कैसी रीत निभाई जवाब दिया लड़की कहने लगी क्या जवाब दिया गुरुदेव केवल हमें यह बता दीजिए
कि गुल ने सनोवर के साथ में क्या किया था, क्या किया था? गुल ने सनोवर संग में हर को नसी रीत निभाई, अब जल्दी दियो बताए रे, जल्दी देव बताए रे, नैसी सलिए कटवाई। केवल हमारा ये सवाल है कि गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। अब बने कचमाल मई नारा सोचने लगे, अब क्या करें, अब क्या करें। उसके बाद कोई बात दिमाग में नहीं आई। महाराज, महाराज के मन में सोचे राजकुमार, बाबे हुदी नारे हाथ में लई तुरंत तलवार, और बाने सीसा काट सहजा देखो है किला पे टांगी दयो, बाने सीसा काट सहजा देखो के किला पे टांगी दयो, बाने सीसा काट सहजा देखो है किला पे टांगी दयो। दोस्तों, उस बेवफा औरत ने अपने रूप के घमंड में इतनी थी जिसने हजारों सहजादों के सर काट डाले। अब वो शादी का उद्देश्य लेके गए थे, शादी का विचार लेके गए थे, लेकिन शादी कहां, जिंदगी की बर्बादी हो गई। कोई कौन हो? अब उस लड़की ने उस लड़के के सर को काट करके किला के ऊपर टांग दिया, और उधर जब छह भाई रह गए तो बड़े से छोटा सोचने लगा कि मेरा भैया लौट के नहीं आया। ऐसा ही नहीं, एक बाद दूसरो गाओ बन दो जान से मारे, छे भैया तो मर गए अब किस्सा सुनो यगारे। उस लड़की के रूप में फंस करके छह भाई तो मारे गए, और सबसे छोटा जो भाई था सोचने लगा, पुत्र सात मोयों कह सुना पिताजी बात, मेरे भैयन के संग में कीनी उसने घात। सातवां जो भाई था वो कहने लगा, पिताजी अब तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे कोई बालक इस घर में था ही नहीं, जो छह भाई मेरे उस कमीनी औरत ने मार दिए हैं, मैं अपने भाइयों का बदला जरूर लेगा। माँ बाप ने बहुत समझाया और कहा कि बेटा तुम ही अकेले रह गए हो, तुम मत जाओ, कहीं मत जाओ। समझाओ बहु भात सुनो मेरी बात, लला मेरे प्यारे अपनी ही जिद ठान के मर गए भ्रात तुम्हारे। माता पिता रोने लगे और कहने लगे, बेटा तुम मत जाओ, अपनी जिद ठान करके तुम्हारे छह भाई मारे गए, तुम्हारे बगैर हम कैसे रहेंगे, सात पुत्रों में केवल तुम अकेले बचे हो, मत जाओ। समझाओ बहु भांति सुना मेरी बात, लला मेरे प्यारे, लला मेरे प्यारे, और अपनी ही जिद ठान रे के मर गए भ्रात तुम्हारे। नारी पे शर्म बुरे हैं कर्म के प्राणन प्यारे, ना जाने कितने राजकुमार हन डारे, ना जाने कितने राजकुमार हन डारे, हन डारे। माता पिता समझाते रहे और जवाब दिया, बेटा तुम मत जाओ। सातवां भाई कहने लगा, मां तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे गर्भ से बालक नहीं हुआ, लेकिन अब हम जाएंगे जरूर, इस घर में रुक नहीं पाएंगे, मेरे छह भाई मारे गए उस बेवफा औरत के पीछे। दोस्तों, घोड़ा लेकर के चला है वहां से, अब सोचने लगा, देखे कौन सी बेवफा स्त्री है जिसने मेरे भाइयों का वध किया है। बढ़ता चला गया, चलता चला गया, जब महर अंगेज वाले शहर में पहुंचा, जब वहां पहुंचा बाग देखा, एक बड़ा सुंदर बगीचा है, लेकिन बगीचा में अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ पहरेदार खड़े हैं, सिपाही लोग खड़े हैं। तब उस लड़का ने
अरे घोड़ा तजी पे दली चलो अरे भरवाजी, कोई पहुंचो बाग के तीरजी। ने घोड़ा तो छोड़ दिया और घोड़ा छोड़ करके पैदल उस बाग के लिए चला है, लेकिन पहरेदार खड़े हैं, अब घुस भी नहीं पाया। और जब नहीं घुस पाया तब उसने ये देखा कि उस बाग से होती हुई एक नहर जा रही थी। तुरंत उस नहर में कूद पड़ा और नहर से होता हुआ बाग के बीच में पहुंच गया। जब बाग में पहुंचा तब देखा कि बगिया बड़ी सुंदर बनी। उसके बाद देखा थोड़ी देर में चंदा सी उनार और लेके संगा सहेलियां पहुंची सुकुमार। लड़का ने देखा संग सहेलियों को लिए हुए वो चंद्रमा जैसा चेहरा लिए हुए लड़की देखने में तो बहुत खूबसूरत थी। वो आ गई उसी बाग में। अब सोचने लगा कि अगर इसने हमें इस बाग में देख लिया तो शायद है कि हमें मार सकती है। तुरंत ही उसने अपने कपड़ा सब फाड़े और वो पागल बन गया। पागल बन करके जहां तालाब था उसके किनारे खड़ा हो गया। क्या हुआ गोदेव? उसके बाद वो लड़की जो महर अंगेज थी वो अपनी दासी से कहने लगी, सहेली अरे प्यास लगी जाई बाग में, अरे मेरी गुहिया ने का ले आ भरी के अपनी दासी से बोली प्यास लगी है पानी ले आओ। हमने कहा गई पानी। अब वो तुरंत दासी जो हती सब तालाब के किनारे और वो पागल बनो वो तालाब के किनारे ठाड़ो हतो। अब बाकी परछाई वो तालाब में नजर आई पानी में, देखी कि परछाई भागी अरे परमाजी, जा ताल में कोई है जवान जी। रूप देखी कि ताल को अरे गैया वही गई आंखें फार जी। दोस्तों जैसे ही वो दासी पानी भर बेखेले गई और बाकी परछाई जब तालाब में नजर पड़ी सोचन लगी जा में जने कोई भूत छुपो वजन चोरे लिया छुपी है समझ में ना आ रही। अब तुरंत लौट के आई और पानी तो दे गई, फिर बाके बाद में उस पागल के पास पहुंची और ऐसे ही रहा। अब देश पागल जो बना हुआ लड़का घूम रहा था बाय देख के कि पागल के रूप पे पागल हुई गई राजकुमारी की दासी। रूप की प्यासी
वो लड़का इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि वो दासी सब कुछ भूल गई और जो सोचने लगी कि जहीन तक कैसे चली जाए और इसे लेकर के हम अपने घर चले जाए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, मेहर अंगेज की दासी लड़की को तो छोड़ दिया और लड़की को छोड़ने के बाद में पागल को अपने संग करो और जवाब दो तुम हमारे साथ चलो। महाराज संग ही गई है तुरंत लिवाए और भोजन बाकी संध्या को आंगन में लो लिटाए। परसों प्रीतम ले दे आवे वो तू सांची मान सहेली, परसों दुल्हा ले दे आवे वो तू सांची मान सहेली, परसों प्रीतम ले दे आवे वो तू सांची मान सहेली। भक्तो अब उस दासी ने राजकुमारी का साथ छोड़ दिया और बा को संग छोड़वे के बाद में पागल के रूप पे इतनी पागल भाई के बाद संग ही ले गई और घरे ले जाए के उन्हें खाना खवाओ और खाना खवाए के बाद में जो फटे भाई वस्त्र हते सो उतारे के दूसरे पहनाए और बा के बाद में पास बैठी गई। ऋषि बा के बाद जब पास बैठी तो फिर एक बात पूछी कि तुम हमें एक बात बताओ। अब लड़का तो पागल बना था और जब बिन्ने ने कही कि हमें एक बात बता तो लड़का कहने लगा हम तो बाग में कबू के आया बैग धोर आए तो बहुत देर होगी। तो कहने लगी हम जब आतना पूछ रहे केवल हमें एक बात बता। बोली वो दासी अरे कछु अपने मन की काय रे मेरे प्यारे तू किन को राज कुमार जी। केवल हमें ये बात बताओ तुम कहाँ रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा, देखने में इतने खूबसूरत हो लेकिन पागल बने के घूम रहे हो, एक बात और भी बताओ पागल हो के बन रहे हो। है पागल या बन रहो अरे परदेसी तेरी सूरत पे कुरबान जी। बोली हाय देखना में तू प्यारो लगे अरे परदेसी मुझसे ले उभा मरे डारी जी। अब पूछने लगी केवल हमें जब बता कि तुम पागल हो या तुम पागल बन रहे। मैं कोई भेद किसी को नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी सूरत पर परेशान हो रही हूं देख करके तुम्हें, इसलिए तुम मेरे साथ विवाह कर लो। मेहर अंगेज की दासी ने कही और जवाब दो पकड़ कुमार को हाथ सुना मेरी बात क्या रज सुनाई। मोय है ईश्वर की कसम रे तोय दगा देन की नाई। हाथ पकड़ो राजकुमार, राजकुमार का हाथ पकड़ा और जवाब दो मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, जहां तक होगा वहां तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन हमें जो बताओ तुम झेर रही हो गए बने भेद तो। बोली पकड़ कुमार को हाथ सुना मेरी बात यार जा सुनाई, यार यार जा सुनाई, यार जा सुनाई। मोय है ईश्वर की कसम रे तोय दगा दे नकी नाई। कसम खाई जब कही कुमार ने सही बात बतलाई तब बेटा ने मन की गिरा सुनाई, तब बेटा ने मन की बात बताई। जब
तब वो दासी पूछने लगी, हमें केवल जो बताओ तुम पागल हो या ना हो, और कैसे तुम पागल हो गए, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, हम तुम्हारे ऊपर तुम्हें देख करके सर्वस्व ने उछावर कर बैठे हैं, तुम हमारे साथ शादी कर लो। जब कसम खाई तब उस लड़का को विश्वास हो गया, फिर वो पागल नहीं रहा और कहने लगा, अगर तुम पूछ रही हो तो अब हम तुम्हें बता रहे हैं, ये तुम्हारी जो राजकुमारी है महरंगेज, इसने हमारे 6 भाइयों का कत्ल कर डाला है। और आंखों में आंसू लेकर के वो लड़का जवाब देने लगा, अब हम तुम्हें अपने मन की बात बता रहे हैं। अरे आंख ना भरो कुमार ने नीर, अपने मन की बात बताई। हत्यार ने राजकुमारी मेरे 6 भैया दे मारी। लड़का कहने लगा, हत्यार ने राजकुमारी मेरे 6 भैया दे मारी। अरे वो बन बैठी बेपीर, अपने मन की बात बताई। भैयन के दुख में दुखारी, बदले को हम आए प्यारी। और कोई बात नहीं है, भैयन के दुख में तुखारी, बदलो लेने को आए प्यारी। चाहे मेरा चलनी हो शरीर, अपने मन की बात बताई। दोस्तों लड़का कहने लगा, और कोई बात नहीं है, तुम्हारी राजकुमारी महरंगेज जो है, इसने हमारे 6 सगे भाइयों का कत्ल अपने हाथ से किया है, और जब तक हम बदला नहीं ले लेंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा। अब जो कुछ बात थी वो हमने तुम्हें बता दी, हम केवल इससे बदला लेने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तब वो दासी कहने लगी, देखो अगर तुम हमारे साथ शादी करो तो हम तुमसे अपने मन की बात कहें। जवाब दिया, हाँ शादी हम तुम्हारे साथ जरूर करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब उसे हम उसके घमंड का बदला उस तक पहुंचा देंगे। लेकिन हमें बात बताओ। उसी समय दोस्तों फंस फंदा में प्यार के नार को पकड़ो खात, राजकुमार तो से कहे मैं अपने मन की बात। जवाब दिया, देखो अब हम तुम्हें बताएं, इसके तखत के नीचे एक चोर छुपा है, एक दानी छुपा है, और इस लड़की का प्रेम है उस दानी से, इसलिए और उसी दानी ने इसे ये सवाल दिया है। वो सवाल पूछती है, और तुम्हें नहीं मालूम, अरे तखत के नीचे चोर है, अरे मेरे प्यारे। कोई कहो बने सबरो हाल जी, वो लड़की बदचलन है, बाकी लगन लगी है बस चोर से, जो बाकी तख्त के नीचे छुपो है, और ताते वो ब्याह ललाका उसे करे वो ना चाहते, ताके माए बस सवाल जो है पूछती है, और जो सवाल का जवाब नहीं दे पाता उसे मार देती है, वो ब्याह करके दूसरे के संग जाए बोना चाहते। और बाकी सवाल जो है कि गुल ने सनोवर के साथ में क्या किया था, अब हम तुम्हें बताए तो देते, लेकिन गुल सनोवर की कथा अरे मेरे रसिया दैया मो को माल मनाई जी। अरे गुल सनोवर की कथा अरे मेरे रसिया
शहर ये कबा काब में अरे मेरे प्यारे गोई गुल को पाबोगे हाल जी जवाब दिया कि हम तुम्हारे प्रेम के बंधन में फंस करके बात बता रहे हैं कि शहर बाकाब में एक गुल नाम की लड़की है और उसी की कहानी उस चोर ने उसे बताई है जो तख्त के नीचे छुपा हुआ है और वो केवल ये सवाल करती है कि गुल ने सनोवर के साथ क्या किया था। ये कहानी हमें मालूम नहीं है लेकिन वहां तक तुम पहुंच भी नहीं पाओगे क्योंकि वहां तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, इसलिए तुम हमारे साथ शादी करो और हमें अपने साथ ही ले चलो। लड़का कहने लगा अब चाहे कुछ भी सही, अगर तुमने इतनी बात बताई है तो मैं कसम खा करके कह रहे हैं, तुम्हें विश्वास दिला रहे हैं कि हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे और हम तुम्हारे साथ शादी जरूर बोल तब करेंगे जब हम इससे बदला लेंगे। अब हम जाएंगे जरूर। देर नहीं की और उस लड़का ने अरे नाई पलकी देर लगाई अब देर नाई पलकी देर लगाई और चल रे की लाग लगाई घोड़ा लिया और भेद लेकर के अब गुल सनोवर की कहानी ढूंढने के लिए चला। वो लड़की आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी जा रहे हो? जा रहा हूं, आऊंगा शीघ्र आऊंगा। हाय नाय पलकी तेरा रे लगाई और चल रे की लाग लगाई हाथ जोड़ी मिट्टिया बतलाई दोस्तों। अब तो उस लड़की को रोता हुआ वहीं छोड़ दिया और विश्वास दे करके चला गया कि हम तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी नहीं करेंगे लेकिन तब करेंगे जब हम वो हाल लेकर के इस लड़की को पूरी कहानी सुनाने के बाद में जब इस कातिल औरत को हम दंड दे देंगे उसके बाद तुम्हारे साथ शादी करेंगे। उस लड़का ने लड़की को छोड़ दिया और कर बजुर की छाती रे चलवे की लाग लगाई। प्रेम जाल में फंसी हुई वो लड़की आंगन में रोती हुई रह गई और वो आगे को बढ़ गया। पूछत पूछत रास्ता रे गौ शहर दूसरे में आई। रास्ता पूछता हुआ एक दूसरे शहर में पहुंच गया और जब दूसरे शहर में पहुंचा है अब भावाई ने पिझाई हुआ ना छोड़ी। दूसरे शहर में जब बन देखो महाराज रहो है बाग को एक निहार और बाबगिया में चंद्रमासी बैठी राजकुमार। अब जब दूसरे शहर में पहुंचो वो बाग के बीच में एक बहुत सुंदर लड़की बैठी होती और ऋषि जब बाने देखो सोई रूप देख के राजकुमार को नारी रह गई आंखें भार और नीचे की तब नीचे ही रह गई लंबी सांस खींच गई नार और पकड़ कलाई राजकुमार की ले गई नारी संगलवाई। पता पूछ के सहजादे से विनती कर रही बारंबार रूप तुम्हारे पे दीवानी मोसंग ले उभाम रेडारी।
दोस्तों, अब जब दूसरे शहर में पहुंचे तो भाभी ने पिछाई होना छोड़ी। जब दूसरे शहर में पहुंचे तो बाग में देखा एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई है, और बस लड़की ने तुरंत ही अपने पास बैठा लिया और जवाब दिया, तुम कहां रहते हो, इधर कहां जा रहे हो? लड़का ने सारी बात बताई कि मैं बाकाब शहर में जा रहा हूं गुल सनोवर की कहानी ढूंढने के लिए। जो इतने वचन सुने तो वो लड़की के पैरों के तले धरती खिसक गई और जवाब दिया, उस शहर का तो नाम ही मत ले देना, क्योंकि वहां तक आज तक पक्षी भी नहीं पहुंचा, और वो भी समुद्र के उस तरफ है, किसी तरीका से वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, अगर पहुंच भी गए तो तुम्हारे हार्ट भी लौट करके नहीं आएंगे। और वह लड़की ने हाथ पकड़ करके लड़का का कहने लगी, अरे वहां जाए बे की माती का हो, अरे मेरे प्यारे वहां कोई पहुंचो है नहीं जी। है सागर के पानी पे अरे मेरे प्यारे तुम्हें दानी जाएंगे चराई जी। उस लड़की ने जब बात बताई कि तुम वहां मत जाओ, क्यों क्यों न जाएं, जवाब दिया वहां मत जाओ, अरे है सागर के पानी प्यारे परदेसी तुम्हें दानी जाएंगे चराई जी। कहने लगी, तुम वहां जाने की मत कहो, सब कुछ कहो लेकिन वहां मत जाओ, क्योंकि रास्ता तो इतनी गलत है कि वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, तुम्हें दानी खा जाएंगे, अन्यथा तुम ऐसा करो मेरे साथ विवाह कर लो। तब उस लड़का ने कहा कि देखो, हम एक को तो विश्वास देके चले आए हैं और उसी ने हमें रास्ता बताई जब हम तुम्हारे पास तक आ गए हैं, इसलिए अब थोड़ी सहायता तुम करो, हम तुम्हारे साथ शादी तो करेंगे लेकिन ये मेहर अंगेज ने हमारे 6 भाइयों का कत्ल कर डाला है, हम तब करेंगे जब हम उससे बदला ले लेंगे, वहां पहुंचने का हमें मार्ग बता दीजिए। तब उस लड़की के दिल में कुछ दया आ गई और उसने एक तलवार लेकर के दी राजकुमार को, और तलवार देने के बाद एक धनुष बांट दिया है, और धनुष बांट देने के बाद फिर समझाया कि तुम जाओ, घोड़ा दिया और कहा कि इस घोड़ा को यही बांध दो, हमारी तरफ से मेरा घोड़ा लेके जाओ और हमें धोखा मत देना, शहर में आगे को बढ़ते चले जाओ लेकिन बाएं हाथ की रास्ता छोड़ते चले जाना, दाहिने हाथ की रास्ता जितनी भी मिले उसी पर घूमते चले जाना दोस्तों। और यह भी कहा कि जंगल में तुम्हें एक शेर मिलेगा लेकिन शेर को देख करके दहलाना नहीं है, शेर जब तुम्हारे पास आ जाए तो वो शेर तुम्हें नहीं खाएगा, उसके लिए तुम पहले से ही मार करके रख लेना एक पशु को और शेर को काट काट करके खिला देना, वो शेर तुम्हारी मदद करेगा। इतना सब कुछ समझाने के बाद फिर ये कहा कि सागर से पार तब पहुंचोगे जब सीमुर्ग नाम की एक मादा तुम्हें मिलेगी और उससे कहना, विनती करना, वो तुम्हें पहुंचा देगी। सब कुछ कहने के बाद में तब वो लड़का हाथ लई तलवार के बढ़ो यगार न देर लगाई, और जमीला नाम की कन्या रे के पीछे पीछे भाई। जिसने तलवार दी थी, घोड़ा दिया था, धनुष दिया था, जिसने मार्ग बताया था, वो ही लड़की उस लड़का के प्रेम में इतनी पागल थी कि जब लड़का चलने लगा तो वो पीछे पीछे चलने लगी, बहुत दूर निकल गए। जब मुड़ करके देखा तब लड़का ने समझाया कि तुम चली जाओ, लौट जाओ, मेरे पीछे कहां तक आओगी तुम, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, तुम्हारे पास आएंगे। बहुपित से समझाई दई लौटाई सुनो मेरे भाई, और कछु देर में गौ जंगल में आई, कछु देर में गौ जंगल में आई, लड़की को तो समझा करके लौटाल दिया, और लौटालने के बाद में जंगल में पहुंच गया। भयानक जंगल था जहां झाड़ी ही झाड़ी थी, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने लड़की के बताने के मुताबिक पशुओं को मार करके रख लिया, और जब संजा भाई वहां तब
तब देखा लड़का ने, अरे बेटा ने नजर घुमाई, अब नहर पड़ो दिखाई। ध्यान में आ गई, उसी समय उसने जो पहले पशु मार के रख लिए थे शेर के सामने डाल दिए, शेर ने जब उन्हें खाया उसके बाद बनी के राजा शेर ने वफादारी निभाई। अब आगे आगे लड़का चला, पीछे पीछे वो शेर चलने लगा। जंगल में जब पहुंचा है वहां दानी दिखाई पड़े हैं, दानी को मारने के लिए शेर भाग खड़ा हुआ और तुरंत ही उस दानी का वध किया। उसके बाद शेर पीछे लौट आता है, लड़का आगे को बढ़ता चला गया। बाग में पहुंचा, वहां देखा घने वृक्ष खड़े हैं, अश्रु बांध के वृक्ष से सोएगा पांव पसारी, कब तक करिया नागने के दीनी है फुसकार। जब वो लड़का घोड़ा को बांध करके सो गया है तब तक एक सर्प निकल करके आ गया और उसी वृक्ष के ऊपर सीमुर्ग नाम की जो मादा थी उसके बच्चे वहां मौजूद थे घोसला में। तब लड़का ने मार सर्प को लाल तभी तत्काल देर लगाई, और सी मुर्ग के बच्चन को के दीनों तुरंत खवाई। लड़का ने उस सांप को तलवार से मार डाला और मारने के बाद सी मुर्ग नाम की मादा जो थी जिसके बच्चे थे उन बच्चों को खिला दिया, और जब बच्चों को खिला दिया तब सीमुर्ग लौट करके आई, उस पुरुष को निहार करके मारने दौड़ी। तब बच्चों ने रोक लिया और जवाब दिया, मां रुक जाओ, तब बच्चन ने कही बात है सही, कर जाने बचाई जाने जाने बचाई। नहीं तो जा तो मोकू नाग चबाई, मैं तो जा तो मोकू नांग चबाई। बच्चों ने समझाया कि ये इसने हमारी जान बचाई है अन्यथा ये नाग हमें खा जाता। तब सीमुर्ग ने कहा उस लड़का से कि बेटा तुम बताओ हमारे लायक कोई काम हो तुम बताओ, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। तब लड़का ने कहा कि हमें शहर बाका में पहुंचा दीजिए। कहने लगी माफ करना, वो तो समुद्र के उस तरफ है, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, और कोई काम हो उसे बताओ। कहने लगा और कोई काम नहीं है, वहां तक हमें पहुंचा दीजिए। तो उस मादा ने इशारा किया कि तुम हमारी पीठ पर बैठ जाओ और कम से कम एक महीने का भोजन मेरे लिए रख लो, हमें रास्ता चलते ही खिलाते रहना और हम तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे। उस लड़का को बाने पीठ पेलो बिठाई, अंबर पंख दे फैलाई, सागर पार करन को भाई, शहर बाकाब के दोहे मिलाई। दोस्तों बाकाब शहर में जाकर के पहुंचा दिया और वहां पहुंचाने के बाद यह कहा कि तुम अब शहर में चले जाओ और हम यहीं हैं, जब तक आ नहीं जाओगे तब तक हम लौट के नहीं जाएंगे और तुम्हें अपने साथ ही लेके जाएंगे। अब वो लड़का एक जो गांव से बाहर घर था वहां पहुंच गया और वहां एक बुढ़िया से क्या इशारा किया है कि मां हम कुछ दिन तुम्हारे यहां रहेंगे। जब वो लड़का वहां रहने लगा और राजा के यहां आने जाने लगा तो राजा के पास सभा में बैठा हुआ था, अरे सभा लगी थी बहु जोड़ा के, अरे मेरे दादा जहां होई गड़ी खाना को नाचा जी। अरे
सिंहासन पे बैठ के अरे वोई राजा कोई देख तो नजर पासार जी गड़काओं का नाच हो रहा है। सिंहासन पर बैठा हुआ वो राजा देख रहा है और उसके बाद देखा अरे नाचे दाती पीस के अरे मेरे दादा जहां जवानन को है घमाशान जी अब तो लड़का देखता रहा राजा बैठा हुआ नाच देख रहा है और जब नाच होता रहा सभा में बाह बाह की आवाज आती रही तब उस लड़का का नंबर आया कि भाई तुम भी कुछ सुनाओ तुम नए आ जाए हो कहाँ रहते हो कैसे आना हुआ। तब लड़का ने अरे जब बेटा ने गजल सुनाई दातन उंगली गए दवाई और तब राजा कहे समझाई मांग ले जो तेरी इच्छा भाई जैसे ही उस लड़का ने गजल सुनाई अब तो राजा के मुंह से बाह बाह की आवाज आई और जवाब दिया धन्य है बेटा तुम हमसे कुछ मांग लो जो भी मांगोगे हम तुम्हें बही देंगे। जब ये कहा कि बही देंगे लड़का कहने लगा हमें विश्वास नहीं है, है? हाँ कहने लगे नहीं नहीं तुम मांगो आज हम तुम्हारे इस गायकी को देख करके बड़े खुश ही अरे जो मांगो सोई हम दिए अरे मेरे बेटा कोई मांग ले उधन माल जी करके कसम तो से कहीं अरे परदेसी तेरा वचन न खाली जाए जी तेरे राजा ने कहा कि तुम मांग लो और जो मांगोगे हम तुम्हें बही देंगे। कसम खा करके सभा में जब कहा तो लड़का ने इशारा किया और तो हमें कोई चीज नहीं चाहिए केवल गुलन सनोबर के संग में कह करी की अरे घटियाई बस छोटो से कुछ सवाल रे कहती जो हमें बताई केवल हमें ये बता दो कि गुलन सनोबर के साथ में क्या किया था। दोस्तों जो इतने वचन सुने अब तो महाराज की नीचे की दम नीचे ही रह गई और जवाब दिया कि ये तूने क्या मांगा। आज तक किसी का साहस नहीं हुआ इस बात को पूछने के लिए लेकिन लेकिन महाराज का राजा बैठो रहो खामोश और सुन बेटा के वचन का भैया उड़ गए उनके होश सोई पकड़ कलाई बेटा की थोड़ा न समझाओ है सोई पकड़ कलाई जवाब दिया आज तक किसी ने यह सवाल नहीं किया और अब तुझसे वचन तो हार गए हैं अब कहानी तो हम सुना देंगे कहानी सुना देंगे लेकिन एक मेरी शर्त है। क्या शर्त? यह है कि कहानी सुनाने के तुरंत बाद हम तेरा सर काट लेंगे। लड़का कहने लगा क्या? जवाब दिया हां कहानी सुनाने के तुरंत बाद हम तेरा सर काट लेंगे अगर तुझे यह बात मंजूर है तो कहानी सुना रहे। जवाब दिया हां ठीक है हमें यह बात मंजूर है तुम हमें कहानी सुनाओ और हमारा सर काट लेना। दोस्तों उसी समय बोले कि गुल और सनोबर की जल्दी से दी है कथा बताई कहानी पूरी होते ही कह दिए शीश कटाई। लड़का कहने लगा ठीक हमें बात मंजूर है तुम हमारा सर काट लेना लेकिन कहानी सुना दो। तो कहानी सुनाने के लिए वो तैयार हुआ राजा। उसने कहा मेरा ही नाम सनोबर है और एक गुल एक लड़की थी। अब कहानी उसने क्या सुनाई उस लड़का को अब इंतजार करें अगले भाग दो का। माफ करें इन्हीं दो भाग में ये कहानी पूरी है कि दूसरे भाग में गुल की कहानी क्या थी वो सनोबर ने कैसे सुनाई और उसके बाद उस मेहर अंगेज को क्या दंड दिया उस लड़के ने। बात तो ये तय थी कि कहानी पूरी होने के तुरंत बाद हम तेरा सर काट लेंगे
लेकिन फिर बाद में क्या हुआ तो अगले भाग का इंतजार करें। दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में सी बसी है, मैंने और नाम त्यागी दयो ओ प्रभु तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है, अरे ऐसी करो जमलाज रहे प्रभु तेरी हसीन हमारी हसी है। तो माज रहे जिस रूप को मूरख दोनों छान, अरे पता नहीं इस रूप पर सुकल उपजेगी घास। आदरणीय श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के सौजन्य से ये कहानी बिछड़ी हुई हम पूरी करने के लिए जा रहे हैं, तो आ जाइए उसी कहानी की ओर। गुलशन ओवर कि जब लड़का से ये कहा कि हम कहानी तो सुना देंगे लेकिन कहानी पूर्ण होने के बाद तुम्हारा हम सर काट लेंगे, लड़का ने कहा ठीक है हमें तुम्हारी बात स्वीकार है, कहानी सुनाने के तुरंत बाद तुम हमारा सर काट देना। अब उसी समय लड़का को अपने आगे बैठा लिया उस सनोवर राजा ने और नौकरों को इशारा कर दिया। जब नौकरों से इशारा किया तो उस लड़का ने क्या देखा सामने सामने से कि हथकड़ियां हाथ में पड़ी भई और एक लड़की पास बुलाई है। लड़का ने नजर बढ़ा करके जब देखा सामने से एक लड़की आ रही है जिसके हथकड़ियां पड़ी हैं, बेड़ियां पड़ी हैं, एक कटा हुआ सर है और एक पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है और यार वो तसा न देखी जाती थी। कुछ और देखा लड़की के जो हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं फटे पुराने वस्त्र हैं, पैदल नहीं चल पाती थी तब नौकर मार लगाते थे। लड़का ने देखा एक लड़की आ रही है, हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, एक कटा हुआ सर रखा है और उसके पीछे कुत्ता आ रहा है, लेकिन लड़की की बड़ी दुर्दशा है, वो लड़की हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हैं, फटे पुराने वस्त्र हैं और जब वो पैदल नहीं चल पाती थी नौकर कोड़ों की मार लगा रहे थे और लड़की को लाकर के सामने खड़ा कर दिया। और जब सामने खड़ा कर दिया तो उसी समय
सनोबर राजा ने कहा कि देखो बेटा ये आ गई, यही है गुल नाम की एक लड़की। और बताया अरे ये ही है लड़की को पास बिठा लिया, जिसके ऊपर नौकर मार लगा रहे हैं और जवाब दिया कि ये ही गुल नाम की लड़की है और मेरा नाम है सनोबर। बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब जो कुत्ता देख रहे हो ना, अरे ये कुत्ता मेरो मित्र है, अरे मेरे लाला जवाब दिया। देखो बेटा ये कुत्ता जो है ये हमारा मित्र है, हमारा भाई है जिसने हमारी जान बचाई थी, और ये लड़की जो बैठी है जिसके हाथ में हथकड़ियां और पैरों में भेड़ियां हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, ये ही गुल नाम की लड़की है और ये कटा हुआ सर रखा है, इसी ने मेरे साथ में कुछ किया था। अब कहानी क्या थी वो हम तुम्हें बता रहे। देखो एक दिन ऐसा हुआ मैं शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। बगिया के बीच में जा बैठी थी सुंदर नारी, एक दिन की बात ते गले हाथ बढ़े अगारी बढ़े अगारी, गए बगिया के बीच में जा बैठी सुंदर। देखो लाला मैं शिकार खेलने के लिए जब गया और यही लड़की बगीचा में बैठी हुई मिली, लेकिन हमें देख करके लड़की ने अपनी सहेलियों से संकेत किया, लेकिन हम इस लड़की को देख करके क्या बताऊं बेटा क्या बताऊं, हम रूप देख देखो बेटा ये लड़की जिसका नाम गुल है, ये लड़की हमें देख करके हमारे ऊपर मुग्ध हो गई और मैं भी इसकी तंदुरुस्ती देख करके दीवाना हो गया। ऐसा ही नहीं तो मैंने तो कुछ कह नहीं पाया, और जब लड़की ने हमें देखने के बाद में अरे हाथ जोरी के कई कहो क्या नाम तुम्हारा है, रे कहो क्या नाम तुम्हारा है, बैठो मेरे पास के तुमसे स्वार्थ हमारा है, जवाब दो। अब जाके सूरत देख के हम मोहित तो भय, लेकिन हमारी हिम्मत ना है परिजा से कोई बात करबे की, तो लड़की ने ही हमसे बात की और इसने कहा अरे करो चाहत तुम संग शादी और तुम्हारे पीछे हो वे चाहे
संग शादी और तुमरे पीछे हो बेचैन जीवन की बर्बादी। और बोली अरे नहीं तुम बिन जी पाऊंगी और संगन मेरे चले के फांसी दे मर जाऊंगी। रूप पे मैं आधीन भई मानो मेरी बात आज मैं तेरी नार भई। हमने तो जैसे कुछ कह नहीं पाई लेकिन उस लड़की ने ही हमसे ये कहा कि हम तुम्हारे रूप को देख करके हम तुम्हारे ऊपर आशिक हैं। अगर तुमने मेरे साथ विवाह नहीं किया, अगर तुम मुझे ठुकरा दोगे तो मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर में चले चलो, चले चलो ना। और वो लड़की ने उत्तर दिया कि तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम नहीं जाओगे नहीं जाओगे। तो वो लड़की बोली कि चलियो मेरे संग आंगन में, अरे चलियो मेरे संग आंगन में, मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी रचाऊंगी। तो मेरे संग चलो आंगन में, मैं तुम संग ब्याह रचाऊंगी रचाऊंगी। हम देश तुम बिन में मर जाऊंगी। पल में टहल बजाऊंगी बजाऊंगी तो यो जहर खाए मर जाऊंगी। जवाब दो कि जब जब लड़की ने हमसे ऐसे वचन कहे कि तुम हमारे साथ चले चलो और हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, अगर हमें तुम न मिल पाए तो हम तुम्हारे अलावा अपनी जान दे देंगे, इतनी बात जब सुनी तो मैं इसके साथ इसके घर चला गया। और जवाब दिया कि जब हम जाके घरे गए तो इसने अपनी माँ से मेरे सामने एक बात कही कि हाथ जोड़ी बिटिया कहे अरे मेरी माता मेरी शादी दे कर भाई जी। अपनी माँ से इसी अभागी औरत ने यह कहा कि तुम हमारा विवाह कर दो। एक परदेसी मेरे संगा में अरे मेरी मैया, अरे एक परदेसी संगा में अरे मेरी मैया, मैं तो उनकी बनूंगी। कही कि तुम हमारी शादी इन्हीं के साथ कर दो, अगर इनके साथ विवाह नहीं हुआ तो मैं जिंदगी में जीना नहीं चाहती।
मैं जिंदगी में जीना नहीं चाहती, कभी दूसरे को नहीं चाहूंगी, लेकिन इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए, विवाह कर दीजिए माँ, अगर तुम मेरी जिंदगी चाहती हो। अरे तब मात गई अगवलाई, जब बिन्ने जे सुनी अकेली बिटिया अब ब्याह ना करो तो जब मरी धरी, ब्याह तो कर नहीं पड़ी है। और जवाब दिया कि देखो बेटी, एक परदेसी के साथ हम तुम्हारी शादी कैसे कर दें, नहीं तो कुल खानदान का पता है, ना ही बिरादरी का पता है, ना ही किसी गांव का पता है, न जाने ये कौन है कैसा है। जवाब दिया, अगर तुमने मेरी शादी नहीं की तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी, यही लड़की बोली। और वो राजा बोला, किस लड़की ने कहा कि देखो बेटा, जिस समय इस लड़की ने जिद ठानी और जवाब दिया कि मां हम शादी करेंगे तो केवल इन्हीं के साथ करेंगे, अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फांसी लगा लूंगी, जहर खा लूंगी, लेकिन दूसरे के साथ शादी नहीं करूंगी। उसी समय मजबूर हो गए मां बाप इसी बेवफा औरत के, जो गुल नाम की लड़की बैठी है और मेरा ही नाम सनोबर है, जो मैं अपनी जिंदगी की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं। और बोले, अरे तब दीनी भामर डारी, देखे चल दीनी सुकुमारी, जिद ठान गई, तीन दिन घर में हमें बनाए राखी, जाने रोटी ना खाई। और जब माता पिता दुखी हो गए तब माँ बाप ने, अरे तब दीनी भमरिया डाल, देखे चल दीनी सुकुमारी। ये लड़की, अरे चल दीनी सुकुमारी, तब ही रोन लगी महता, ब्याह भो अब जे काय को धरती पे पांव धरती हुए, अम्मा जो हती सो रोए रोए के परेशान। और बे, अरे चल दीनी सुकुमारी, तब ही रोन लगी महतारी, मेरो तज के जाय रही द्वार, देखे चल दीनी सुकुमारी। खुशी लली के मन में, जाऊं प्रीतम के अब संग में,
बात खुशी लली के मन में, जाऊं प्रीतम के अब संग में, मिल गए मन के मोई भरता रक्षे के चल दीनी सुकुमारी। इस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ और मेरे साथ चली, सोच रही थी ये लड़की और हमसे कह रही थी, मैं खुद तकली पे उठाऊंगी, प्रीतम से समय बिताऊंगी। मैं खुद तकली पे उठाऊंगी, प्रीतम संग समय बिताऊंगी, मानो ही बजे सुकुमार देख चल दीनी सुकुमारी। बेटा जवाब दिया कि जब लड़की का विवाह मेरे साथ हुआ और वो लड़की मेरे साथ आंगन में चली आई, लेकिन मैं इस लड़की के प्यार में, इस लड़की की सुंदरता पर इतने आधीन हो गए कि मैं फंस नारी के प्यार में। अरे मेरे बेटा कोई भूल गए थे दरबार जी, जवाब दिया मोई नए मालूम थी जा बेबफाया रे मेरे लाला, मोसे करती कपट को प्यार जी। हाँ रात दिन घर हे अरे मेरे लाला, मैंने छोड़ दयो परिवार जी। जवाब दिया किस औरत के सिकंजा में हम इतने फंस गए कि हमने संसार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लेकिन इस बेवफा के प्यार में इतने अंधे हो गए कि दरबार भी छोड़ दिया। मैं नहीं जानता था कि औरत बेवफा है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि औरत के अंदर और औरत में, मेरी केवल यही समझ में नहीं आया, सोच सोच करके मैं दुखी हो गया कि क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देश। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। क्या छुपा दिया है नारी ने, सोचा करता हूं कि दीन बंधु, मतलब शरीर से कोई बात संबंध नहीं है जो आप शरीर से समझो, हाँ गहराई की बात है कि भगवान ने औरत में ऐसी कौन सी चीज बनाई, औरत में क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। बड़े बड़े बलवान छोड़ो, विद्वान ऋषि महात्मा ऐसा ही नहीं, देखो देवताओं की ओर देखो। क्या देखा इंद्र अहिल्या पे, क्या देखा इंद्र अहिल्या पे ब्याही अपनी छोड़ी नारी, क्या देखा नीच चंद्रमा ने जो गुरु की ले भावो नारी।
ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, संक्षेप में ही हमारी बात समझे। क्या छुपा दिया हर नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूर वीर बलवान तलक झुक जाता है, हर बलवान तलक झुक जाता है, हर बलवान तलक झुक जाता है। जैसे ही दोस्तों लड़का से जवाब दिया कि देखो बेटा कि हम इस औरत के प्रेम जाल में इतने फंस गए कि हम सब कुछ भूल गए। उसके बाद मैंने एक दिन देखा, एक दिन देखा, क्या देखा? अरे एक दिन की बात, रे घुड़सार में पहुंचे जाई, देखे नजर घुमाई। एक दिन देखा मैंने घुड़सार में घोड़ा दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहे हैं, ये सब क्या तरीका है? महाराज कहीं नौकर से तब ललकारे, अरे हरामी मक्कारो सोते हाँ पांव पसारे, सोई हाथ जोड़ के नौकर तब राजा से बतराने, सोई हाथ जोड़ के नौकर हाय राजा। मैंने देखा कि घुड़सार में घोड़ा दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जा रहे हैं, तो एक नौकर से इशारा किया कि इतने बदतमीज हो, हरामी हो, जो दिन प्रतिदिन घोड़ा कमजोर होते चले जा रहे हैं, ये सब क्या है? तो दोनों हाथ जोड़ करके नौकर कहने लगा, महाराज मुझे माफ करना, कहने के लायक बात तो नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि रात समय में महाराज और महारानी घर से आती हैं, और रात समय में महाराज महारानी घर से आती हैं, और हो करके सवार घोड़ा पे नहीं पता कहां को जाती है, कहानी सुनाई और बताया कि देखो बेटा नौकर ने हमसे यह कहा कि यही लड़की वो महारानी न जाने रात में कहां जाती है, और भोर होने से पहले ही जब घोड़ा लौट के आता है और दाना घास नहीं खाता बेहोशी में गिर जाता है, नौकर ने इशारा किया कि तुम्हारी रानी न जाने कहां जाती है रात के समय और सुबह होने से पहले ही लौट करके यहां आ जाती हैं, जो घोड़ा ले जाती हैं इतनी तेजी के साथ दौड़ाती हुई लाती हैं कि यहां आकर के घोड़ा बेहोश हो जाता है, दाना घास तक नहीं खाता है, इसलिए सब घोड़ा कमजोर होते चले जाते हैं। इतनी बात जब हमने सुनी तो नौकर के ऊपर विश्वास मैंने नहीं किया, लेकिन मैं देखने लगे समय, वक्त देखने लगे। दूसरे दिन मैंने देखा कि देखें मेरी औरत तो वफादार है, मेरी औरत मुझे इतना चाहती है कि मैं इस औरत के पीछे सब कुछ भूल गया, और पूरा दिन हो गया। दूसरे दिन अरे पूरा दिन गयो पीतरे जब शाम हो न कोई आई, जो आज जकड़ी बैठी है ये यही मेरी औरत है। इसी ने महाराज नार ने आवत कंत निहारी और पकड़ कर आई लय बैठाई आसन दीनो डार, ऐसा ही नहीं अब लेके गड़ुआ सोने बालों भर के
जवाब दिया कि देखो बेटा, जिस समय इस औरत ने हमें आते हुए देखा और तुरंत ही बड़ा सम्मान किया, उसे चाहे न बोलती हमें बाद में पानी उलाए के धर दो, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए और हमें भोजन कराए के बाद में जाने जब हमें लेटाए दो, और बाके बाद में जब हम सोए गए तो तुरंत ये औरत भागी और हम सोए ना है, देखत रहे कि औरत कहां जा रही है। तो ले घोड़ा नारी चली अरे मेरे लाला, हम लागे तुरत देखो बेटा, घोड़ा लेके जब औरत जब भागी और हमने एक दूसरा घोड़ा निकाल लिया और हम भी इसके पीछे दौड़े के देखे कहां जाएगी, और हमसे जकाती के हम तुम्हारे बिना अब पहुंची जंगल में। मेरे बेटा औरत हमें सुला करके और घोड़ा पर सवार हो करके कि ये कहां जाने लगी, और तुरंत ही पीछे पीछे हम दौड़े। जब हम दौड़े तो मैंने देखा कि जंगल में एक दानी के पास में ये लड़की पहुंच गई, और वहां जाने के बाद में हम तो चुपचाप झाड़ी में छुप करके बैठ गए कि देखिए ये क्या करेगी। तब उस दानी ने देखा कि अब आई है, और इतनी देर तक तुम कहां रही, अब न जाने जाको शादी से पहले ही बात है कोई संबंध आ तो न जाने क्या था, मतलब पहले तो ये वो थी जो ये कह रही थी कि हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते, वो ही हमें धोखा दे गई, एक दानी के साथ इसका हित हो गया। तो दानी ने अब लेके सोता तो में घनारी धाम खाई, हार लेके सोता हाथन में घनारी धाम खाई, गई रात सब बीती रे, जवाब दो हम तो एक झाड़ी में छुपे भय देख रहे थे। वो दानी औरत पर दौड़ पड़ा और कहने लगा कि सवेरे के 4 बज गए, इतने खल्लो तू कहां रही, देखो लाला मैं एक झाड़ी में छुपा हुआ देख रहा था, जब इस औरत ने यह कहा कि हमारे पति आज घर में जल्दी आ गए लेकिन सोए नहीं, इसलिए हम लेट हो गए आने में, मुझे माफ कीजिए,
कल सवेरा जब होगा मैं अपने पति को जहर दे करके मार दूंगी और हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे आज माफ कीजिए, आज के बाद ऐसा कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसके बाद वो औरत, अरे दानी के पास बैठ के तो बैठ गई, लेकिन वहां एक नहीं था बेटा, एक नहीं था, दो थे दो। एक ने वो बोलो रे निहारी, तब नारी ने अरज रे गुजारी। इसी औरत ने तलवार निकाली और हमें मारने के लिए तैयार हो गई, तब तक इस कुत्ता ने उस दानी को अपने कब्जा में कर लिया। बस यही एक वफादार मेरा मित्र है। मैं भाई लड़ाई हम दोनों में और ना ही उसकी पेश परी, और यही नारी हमारी है। जब दानी की पेश नहीं गई, तब इसी औरत ने हाथ में तलवार ले ली, जो हमारे गले का हार थी वो ही फिर जिंदगी के लिए सूल बन गई, कांटा बन गई, और इसी ने हमें मार डालने के लिए तलवार हाथ में पकड़ ली। ऐसा ही नहीं, बड़ी चतुरता से मैंने दानी का सिर काट दिया। मैंने जब दानी का सर काट दिया, ये कटा हुआ सर रखा है, ये उसी पाजी का है जिसने हमारी जान लेनी चाही, लेकिन उसका जो साथी था, दूसरा प्रेमी था इसका, भागता हुआ बॉम्ब जंगी मेहर अंग्रेज के पास गया।
केवल इतनी ही कहानी है। जवाब दिया, देखो मेरे लाल, जिस समय हमने दानी का वध कर डाला तो उसका साथी जो दूसरा था वो जान बचा करके भाग गया और मेहर अंगेज के पास पहुंच गया। मेहर अंगेज ने उसे अपने तखत के नीचे छुपा लिया। बस इतनी ही मेरी कहानी है। इस औरत को मैंने बंदी बना के रखा है। यही गुल नाम की लड़की है जिसने मेरे साथ में बेवफाई की है। एक दानी के साथ हित करने के बाद में इसने मेरे प्रेम को धूल में मिला दिया। बस इतनी ही कहानी है। अब जो हमने तुमसे बात कही थी कि कहानी सुनाने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सर काट देंगे, कहा था ना? इसलिए अरे भाई है पूरी बात हमारी अपनी सरतन भाइयो, तो खत्म हो गई। गुल सनोबर की सिर्फ इतनी ही कहानी थी। अब वो शर्त जो मंजूर की थी तुमने कि कहानी सुनने के बाद हम अपना सर कटवा देंगे, वो सर कटवा दीजिए। महाराज कुमार ने कही तुरंत समझाई, शंका एक बनी मेरे दिल में दी जो हमें बताई। अब ऐसा करो अपना सर कटवा दीजिए क्योंकि हमारी शर्त पूरी हो गई। ये कहानी जो हमने सुनाने के लिए तुमसे कही थी वो कहानी हमने सुना दी, अब अपना सर कटवाई। लड़का कहने लगा, लेकिन महाराज एक एक शंका हमें रह गई। कौन सी? अपना सर कटवाओ। जवाब दिया, सर काटने के लिए मैं मना नहीं करता हूं, कहानी आपने सुना दी, आप हमारा सर काट लीजिए, लेकिन एक बात बता दीजिए केवल। कौन सी? केवल ये बताओ कि बादानी को नारे ने अरे महाराजा क्यों घर में लो है छुपाई जी, मेहर अंगेज के पास जो दानी पहुंच गया, लेकिन उस दानी को उस लड़की ने क्यों छुपा लिया, केवल ये बता दीजिए और हमारा सर काट दीजिए। इतनी बात बता लाई कि अरे मेरे राजा मेरा नीजो शीश काटाई जी, जवाब दिया कि केवल हमें इतनी बात बता दीजिए कि उसने मेहर अंगेज नाम की लड़की ने उस दानी को अपने तखत के नीचे क्यों छुपा लिया है, फिर हमारा सर काट दीजिए। जो इतनी बात सुनी तो सनोवर कहने लगा, माफ करना बेटा, माफ करना, कहूं बात में साफ करो मोय माफ जो बनैया वे अब कौन से मतलब से दानी को राख लो है बाने, तुम्हारे सम्मुख लाल सुनो कर खेल हर हम माने हर हम मानी, और मेहरी अंगेज के बारे में न जाने, मेहरी अंगेज के बारे
बारे में न जाने। जवाब दिया उस राजा ने कि अब तो तूने एक ऐसी बात कही है जिसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब तू जीत गया, मैं हार गया। मुझे नहीं मालूम कि उस लड़की ने उस दाने को अपने तखत के नीचे क्यों छुपा लिया है। तुम ऐसा करो, तुम यहां से चले जाओ, हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, प्राण दान दे रहे हैं, तुम्हारा सर हम नहीं काटेंगे। दोस्तों उसी समय उस लड़का ने अरे चले बेटी लाग लगाई, ओए चले बेटी लाग वे लगाई, मिलो जमीला तेरे भिग जाए। कहानी सुनने के बाद से निकलने के बाद उसी लड़की से जाकर के मिला है जिससे घोड़ा लेकर के गया था, तलवार लेकर गया था, जिससे पता पूछ के गया था, उसके पास पहुंचा। पानी ही तो से ले बैठाई, और लड़का बोला तुम्हारी खातिर मंजिल पाई। जवाब दिया उस लड़की के पास में जाकर के, हमें माफ करना, तुम्हारा बड़ा एहसान है मेरे ऊपर जो तुम्हारी खातिर हमने ये मंजिल पाई है, ये कहानी हमने सुनी है और हम तुम्हारे पास दोबारा लौट करके आ गए, इसलिए अब हम उसके साथ शादी तो बाद में, पहले अपने भाइयों का बदला लेना है। तो जमीला नाम की लड़की कहने लगी, क्या हमें छोड़ दोगे? जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी खातिर सब मिलो, अरे मेरी प्यारी कोई भारी तेरो एहसान जी। रात तरीके शादी तेरे संग में, अरे मेरी प्यारी तरी नारी जी। जवाब दिया कि हम तुम्हें तो नहीं छोड़ पाएंगे और हम तुम्हारे साथ विवाह जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ चलो, और लेकिन उससे हम अपने भाइयों का बदला जरूर लेंगे जिसने मेरे 6 भाइयों का कत्ल करने के बाद में सर किला के ऊपर लटका दिए हैं। इतनी बात कहने के बाद वो लड़का लड़की को साथ लेकर के वहां से चल पड़ा, आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों महर अंगेज के पास में जाकर के पहुंचा है, और वहां जाकर के जब पहुंचा तो द्वार पर एक ढोल रखा हुआ था और उस ढोल को अवधेश वही बजाया करता था जो उसके सवाल का जवाब दिया करता था, और जवाब नहीं दे पाता था तो उसका सर काट करके अपने किला के ऊपर लटका देती थी वो लड़की महर अंगेज। अब वो लड़का बढ़ता चला गया और तीनों ढोल बजाए सुना चितलाई सभा के भाई, और भोर सुन के बेटी पहुंची आई। बढ़ता चला गया और जैसे ही ढोल बजाया वो लड़की के कान में आवाज जब गूंजने लगी तुरंत वो लड़की भागी। Thank you.
लड़का ने देखा चंदा सुदम कयंगा हाथ में संगते गले आई, ऐसा ही नहीं मरता गई या भागने आई, जैसे ही लड़का ने ढोल बजाया और वो लड़की भागती हुई वहां पहुंच गई, और वहां पहुंचने के बाद में लड़का से कहने लगी, क्यों रे इस ढोल में जो आवाज तूने लगाई है इसका मतलब सिर्फ यह है कि जो हमारे सवाल का जवाब देगा वो मेरे साथ शादी करेगा, और सवाल का जवाब अगर नहीं दे पाया तो मैं सर काट करके केला के ऊपर टंगवा दूंगी। तेगा लेके हाथ में बोली बचन सुनाए, अरे गुलशनोबर की कथा तुम दीजो हमें बताए। जवाब दिया, गुल और सनोबर की कथा तुम हमें बताओ, अगर नहीं बताओगे तो जैसे देखो जी लाइन में सब लगे हैं सर कटे हुए, उसी तरीका से तुम भी आ जाओगे, और अगर ये कहानी बता दी तो तुम मेरे साथ विवाह कर लोगे। वो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी, तो वो लड़का कहने लगा कि सुन, गुल और सनोबर की बात की है, अरे बड़ी बेवफा नारी थी, अरे सुकुमारी छोड़ दे ते भला तारा जी, लड़का बोला गुल सनोबर की कहानी सुन रही है, अरे छोड़ उसे बाने धोखा दे के पति को धोखा देके धानी के सिकंजा में फंस गई। जो इतनी बात सुनी तो लड़की बोली मेहर अंगेज के रुक जा रुक जा रुक जा रुको रुको रे अब मत कहो यारे मेरे प्यारे मोसे ले भमरिया डारी दी। लड़की कहने लगी तुम रुक जाओ अब मत कहो, मैं समझ गई पूरी कहानी मेरी समझ में आ गई कि हाँ वो लड़की बेवफा थी, उसने अपने प्यार को धोखा दिया और एक दानी के सिकंजा में फंस बैठी, तुम मेरे साथ विवाह कर लो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है। उसी समय दोस्तों लड़का ने कहा हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, और उसके बाद अरे मंडप लो गड़बाई रे शादी की इशारा किया कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो और हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। उसी समय लड़का ने सोचा कि चलो इसे दंड तो देना है जिसने मेरे 6 भाइयों का कत्ल किया है, और बिना विवाह किए हुए हम इसे दंड और सजा नहीं दे पाएंगे। शादी तो कर ली,
और शादी करने के बाद जो दानी छुपा हुआ था उसके तखत के नीचे, उसे निकाल लिया। और निकालने के बाद में दोस्तों दोनों को अपने साथ कर लिया, मेहर अंगेज को, उस दानी को, और जो पहले लड़की ने रास्ता बताई थी उसे। अब उसके बाद उस दासी का ध्यान आया जो मेहर अंगेज की दासी थी, जिसने वहां तक पहुंचने का उन्हें अनुभव कराया था, उन्हें रास्ता बताई थी। आगे बढ़कर के उस लड़का ने, अरे फौरन दासी को रे बुलवाया, जाने पहले तुझे बताओ, को भी बुला लिया जिस दासी ने पहले ही सारी कहानी बता दी थी। उसके स्वरूप में फंसने के बाद में अब जो लड़की थी मेहर अंगेज, वो भी साथ में है, जिसने वहां तक जाने का रास्ता बताया था वो भी साथ में है, और उसकी दासी वो भी साथ में है। अब तीन लड़कियों को साथ लेकर के घर पहुंच गया, और वो दानी दानी भी साथ है। ऐसा ही नहीं, आओ अपने धाम को लेके तीनों नारे और जंगी को सम्मुख करो, फिर हाथ लई तलवार। दानी को सामने खड़ा किया और जवाब दिया, क्यों रे कमीन, इतनी लंबी बात तूने इस औरत से कही जिससे मेरे छह भाई मारे गए। उस दानी को, अरे घोड़ा से बांधा भाई के, अरे मेरे भैया कोई खिंचवाओ तो कई को सजी। अरे मार मार के लाल ने, अरे मेरे दादा कोई कर डालो तो बे हो सजी। दोस्तों उस दानी को जान से मरवा दिया, और जान से मरवाने के बाद में उस मेहर अंगेज नाम की लड़की को अपने पास बुलाया और जवाब दिया, अभागी औरत, तेरे पीछे मेरे सगे छह भाई मारे गए, आज शादी करके हम तेरे साथ जरूर लाए हैं, लेकिन हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब डर के मारे लालत के नार चिंगारी, मेरो करियो माफक सूर रे के भूल हुई गई भारी। औरत रोने लगी और कहने लगी, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, जो हजारों राजाओं के राजकुमार मार दिए, सर काट करके किला के ऊपर टांग दिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय दोस्तों गांव के लोगों ने भी समझाया, और उस लड़का ने उस औरत को भी अपने साथ रख लिया।